हेलो लर्नर्स, टुडे वी हैव अ सेशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। क्या होती है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, या किन्हें कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, कितने तरह की होती है ये, किन उद्देश्यों, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके इनको क्रिएट किया जाता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है इनमें। तो चलिए आज पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बारे में। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, हैज़ ए पब्लिक सेक्टर इन इट्स इकोनॉमी। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन गिवन अ स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी। सो द बिजनेस यूनिट्स ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल्स, और रूरल एरियाज़ में जो ग्राम पंचायत्स होती हैं, सो दे आर कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट्स। सो द बिजनेस यूनिट्स विच आर ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड बाई सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स आर टर्म्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहा जाता है। फर्दर, द पब्लिक एंटरप्राइजेस मे बी डिफाइंड एज एनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर एंड अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। सो दिस इज अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए मिनिस्टर फ्रॉम पार्लियामेंट। सम एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर द like Indian Railways, Indian Post, All India Radio, Doordarshan, Defense, Atomic Energy, etc. So these are the example of departmental undertaking. जब हम बात करते हैं All India Radio और दूरदर्शन की, तो they come under the Ministry of Information and Broadcasting, जिसको control करते हैं Cabinet Minister अनुराग ठाकुर। तो ये जो दोनों department हैं, All India Radio और दूरदर्शन, they come under their under his control. इसके अलावा डिफेंस, अगर अंडरटेकिंग की हम बात करते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको कि राजनाथ सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके अंडर, उनके कंट्रोल में आती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो सबसे पहले फॉर्मेशन। सो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। देन अपॉइंटमेंट्स, तो इसमें अपॉइंटमेंट जो होती है, इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो अपॉइंटमेंट होती है, दैट इज़ थ्रू द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स। देन मैनेजमेंट, इसको IAS ऑफिसर और सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं। ऑडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, दे आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फाइनेंस, द फंड ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, या जिसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं। तो जो कैपिटल है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री से आती है। द रेवेन्यू अर्नड बाय दीस अंडरटेकिंग्स आर ऑल्सो पेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और जो भी रेवेन्यू अर्न होता है वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी को ही जाता है। देन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। सो दीज डू नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होती है, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास कोई किसी तरह की रेगुलेटरी या लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होती। सो देर इज अ लॉट ऑफ पोलिटिकल इंटरफेरेंस। तो इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में पोलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है। देन अकाउंटेबिलिटी, सो दीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, एज देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर। सो दिस इज अबाउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट जो टाइप है, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट आर ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है, दे कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द एक्ट डिफाइन इट्स पावर एंड फंक्शंस। एक्ट ही जो है उनके फंक्शंस और पावर को डिफाइन करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती है, दे इंजॉय द लीगल आइडेंटिटी ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग अंडर इट्स नेम।
सो ये जो कॉरपोरेशंस होती है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती है, दे हैव ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. इनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और ये अपन इनका इनका एक अलग नाम होता है. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एफ सी आई, यू टी आई, आई एफ सी आई, आई डी बी आई, एल आई सी, आर बी आई, एक्सेट्रा. सो दीज आर द वेरियस स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. फीचर्स देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के. द फर्स्ट वन इज ऑनरशिप. सो ये जो कॉरपोरेशंस होती है, दे आर अंडर द कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हैज़ ए कंप्लीट अथॉरिटी टू अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो टू बियर लॉसेस. दीज आर कंप्लीटली अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट. देन फॉर्मेशन. सो कैसे बनती है ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? दे आर सेटअप बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. और एक्ट ही इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या प्रिविलेजेस हैं वो डिफाइन करता है. देन थर्ड इज बॉडी कॉरपोरेट. सो दीज कॉरपोरेशन, दीज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैव ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और एंटिटी. ये जो कॉरपोरेशंस होती है, इनकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है. दीज कैन स्यू एंड बी स्यूड. इन पे स्यू किया जा सकता है या ये किसी पर भी अपने नाम से स्यू कर सकती है. दीज कैन परचेज प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम एंड एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी लीगली बाउंड. नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट बजटरी प्रोविजन्स. सो दे आर दीज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, दे आर नॉट कंसर्न विद द बजट ऑफ द गवर्नमेंट. दे हैव ए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड प्रिपेयर देयर ओन बजट्स. देन नो इंटरफेरेंस. सो दीज आर द ऑटोनॉमस बॉडीज. गवर्नमेंट डजेंट इंटरफेयर इन डे टू डे वर्किंग ऑफ दीज कॉरपोरेशंस. बट फिर भी टू सम एक्सटेंट्स गवर्नमेंट की जो पोलिटिकल जो इंटरफेरेंस इन कॉरपोरेशंस में होती है. डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. देन अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. सो इसमें इन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में किस तरह से एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट होती है? सो दे हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. द सर्विस कंडीशंस आर फ्रेम्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द एम्प्लॉयज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. द सर्विस कंडीशंस आर ऑल्सो गिवन इन द स्पेसिफिक एक्ट अंडर विच दे आर सेटअप. देन नेक्स्ट इज ऑडिट. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको दे आर कंडक्टेड बाय द ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट. और इनको इनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो जो प्रोफेशनल CA होते हैं वो ऑडिट करते हैं. देन फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग इज डन मोस्टली बाय गवर्नमेंट. सो दे ऑल्सो हैव अ राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक. दे हैव फुल अथॉरिटी टू मैनेज देयर प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज अबाउट द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. नेक्स्ट जो टाइप्स है दैट इज ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनीज. सो अ गवर्नमेंट कंपनी इज इस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी. इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है. फ्यू एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर लाइक ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन. इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. तो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन. सो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है दे फॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. देन ऑनरशिप की बात करें तो मिनिमम 51% ऑफ देयर पेड अप कैपिटल इज इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली इन द नेम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इट कैन बी अ होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी वेयर ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. Then third is management. It is managed by the board of directors who are appointed by shareholders or nominated by the government. Then separate legal entity. ये government companies जो होती है they are the separate legal entity. So ये भी they can sue and be sued. It and they can enter into contract with the third parties and hold property in its own name. Then appointment of employees.
employees are appointed according to its own rules and regulations as contained in its memorandum or articles of associations, which contain objectives and internal rules and regulations of company respectively. Then audit procedures. जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ऑडिट करता है, और बस प्रोफेशनल जो सीए है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते हैं. देन फाइनेंसिंग. सो जो कैपिटल होती है इन कंपनी की, दे कम फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस. इट वॉज ऑल्सो allowed to raise funds from the share market. So private investors के through भी जो है finance जो है जो capital है वो raise की जा सकती है. Then annual reports. The annual reports are presented to the parliament. Government companies की जो annual reports होती है वो parliament में present की जाती है. Then relaxation. Relaxations from the rules under Companies Act can be given to them provided it is authorized by the parliament. Then registration. It is registered like any other joint stock company with the registrar of companies. So this is all about the different types of public sector enterprises. Next are the objectives of public sector. अब हम देखते हैं कि public sector जो है इनके क्या objectives होते हैं. So first one is to gain control of the commanding heights of the economy. Commanding heights क्या होता है? Commanding heights mean the critical sectors that dominated economic activities. तो critical sectors कौन से होते हैं? जैसे electricity generation, heavy manufacturing industries, mining, transportation, coal, etc. So these are the critical sectors. So public sector का objective होता है कि इन जो critical sectors है इन पर control करना. Then to provide commercial surpluses to finance economic development. Government के पास जो भी surplus होता है, जो funds होते हैं, उनको फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना. देन टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फिलिंग क्रिटिकल गैप्स इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में जो भी गैप्स है, जो भी कमियां है, उनको दूर करना. टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है कि इकॉनमी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में आ जाती है इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रेलवेज, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. जनरली जो ये सेक्टर्स है इनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और जो प्रॉफिट्स है वो इनिशियली कम होते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर जनरली इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करती है. तो पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है कि इन बेसिक जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो इनको डेवलप करना. देन टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है कि सब रीजन्स में बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना, कि ये ऐसा नहीं हो कि किसी स्टेट में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, किसी स्टेट में कम. तो पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है कि सब जगह, सब रीजन्स में बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो. देन टू रिड्यूस द शार्प डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर का कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना, और टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, और कुछ ही लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर को आने से रोकना. देन टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल एरियाज. जो क्रिटिकल एरियाज है, जो डोमिनेटिंग एरियाज है, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज है, उनमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना, कम से कम इम्पोर्ट करना और उन चीज़ों में सेल्फ रिलायंस लाना. देन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन एन इंक्रीजिंग स्केल्स. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इकॉनमी में बढ़ाना. टू हेल्प इम्प्रूविंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स. फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है उनको इंक्रीज करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना इकॉनमी में. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स. अब हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स या शॉर्टकमिंग्स है. सबसे पहले आती है एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. देयर एग्जिस्ट considerable political interference in the operational aspect of public sector enterprises in terms of appointment in management, pricing of product, location of projects,
सो द डिसीजंस आर गाइडेड बाय द पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड नॉट बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो पब्लिक सेक्टर जो है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, किसकी अपॉइंटमेंट करनी है, प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या होगी, जो प्रोजेक्ट्स है, जो यूनिट्स है, जो फैक्ट्रीज है वो किस लोकेशन पे लगेगी, तो इन सब में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा रहता है. देन डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, द रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कॉजेज डिले इन डिसीजन मेकिंग ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है पब्लिक सेक्टर में, तो जो कि डिले का कारण बनता है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज डज फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रोन ओपन बाय द मार्केट. तो इसके कारण, इन डिलेज के कारण कई बार पब्लिक सेक्टर जो है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है मार्केट में, उनको कैश करने में फेल हो जाता है. देन डिफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसीज, सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव टू लुक एट सोशल फैक्टर एंड कैनॉट इंक्रीज प्राइसिस और डिटर्मिन प्राइसिस बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन. बिकॉज ऑफ द सोशल आस्पेक्ट लाइक पब्लिक वेलफेयर, देयर प्रॉफिट्स आर लो. दे कैनॉट पास द इंक्रीज्ड कॉस्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर लाइक इन केस ऑफ पेट्रोलियम एंड LPG सिलेंडर. इन द रिसेंट ईयर्स वेरियस प्राइस रेगुलेटरी कमीशंस फॉर रेगुलेशन रेगुलेटिंग प्राइसिस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव बीन एस्टैब्लिश, हुज रिकमेंडेशंस आर एप्लीकेबल बोथ फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट कंटिन्यू टू बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पुअर एंड प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. सो क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशल फैक्टर को, सोशल आस्पेक्ट को ध्यान में रखती है, इसलिए एकदम से प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ा सकती, जिसके कारण इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो कम होते हैं. सो ये भी एक प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर में. देन ओवर मैनिंग, या जिसको हम ओवर स्टाफिंग कहते हैं, द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर ओवर स्टाफ्ड. इट कैनॉट, इट इंक्रीजिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनएफिशेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द अप्रेजल सिस्टम लैक परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम. The system lacks incentives to improve and penalties for delays and failures. The security of service makes them lethargic and reduce creativity. This lack of accountability causes inefficiencies and losses in the public enterprises. So, क्योंकि job security होती है public enterprises में, इसलिए जो employees होते हैं they become more lethargic. तो इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनको उनमें इन एफिशिएंसी हो जाती है, और जिससे कि ये एंटरप्राइजेज लॉसेस में चली जाती है. देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, द पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑपरेट एट लेस देन देयर फुल कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस लोअर देन पोटेंशियल आउटपुट. दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द फिक्स्ड कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल आउटपुट. सो पब्लिक जो एंटरप्राइजेज होती है दे ऑपरेट लेस देन देयर कैपेसिटी, जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इनकी वो बढ़ जाती है और जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाते हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन. टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.